के। राहुल जी, बातचीत को और आगे बढ़ाने के पहले एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरीके की मांग करना भारत के संविधान के हिसाब से है क्या? क्या भारत के किसी करेंसी नोट पर धार्मिक प्रतीक चिन्हों को लगाया जा सकता है? और जो हमारे संविधान में कहा गया है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात, क्या उससे मेल खाता है? आशुतोष, इस पर संवैधानिक स्थिति क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। मेरी जितनी जानकारी है, मैंने संविधान देखा है कि उसमें इस तरह के कोई गुंजाइश मुझे तो दिखी नहीं। अब इस पे वकील जो संविधान विशेषज्ञ हैं, वकील वो बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन अपने आप में तो ये बिल्कुल ही, मैं क्या कहूँ, ऐसी लंतरानी उन्होंने फेंकी है कि इस पर समझ भी नहीं आ रहा, हंसा ही कि रोएं। विनोद ने तो काफी कुछ कह ही दिया है। तो ये एक बहुत ही मतलब इसकी उनसे उम्मीद नहीं थी। मैं भी यही कहूंगा कि अब वो कह रहे हैं दफ्तर में बैठ के, अपने पीछे उन्होंने दो तस्वीरें जो लगा रखी हैं, उनमें एक अंबेडकर की है, एक भगत सिंह की है। वहां आपको गांधी नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको कोई नहीं मिलेगा। तो मैं तो पहली अपेक्षा यही करूंगा कि उनसे, भाई अपने पीछे की दोनों तस्वीरें आप गणेश और लक्ष्मी जी की लगा लीजिए। और आम आदमी पार्टी की सरकार जहां जहां है, सारे कार्यालयों में गणेश लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए सुबह शाम, और आप भी उनकी आरती करें, वहां पर लक्ष्मी पूजन होना चाहिए विधिवत, और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और तस्वीरें लगनी चाहिए, चित्र लगने चाहिए। कम से कम दिल्ली में तो संपन्नता आए, जिसके वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये अद्भुत चीज है। मोटी बात देखिए क्या है कि ये तो बहुत हास्यास्पद और बहुत ही एक बचकानी हरकत है उनकी। हो सकता है कुछ भोले भाले हिंदू जो कुछ बीजेपी से असंतुष्ट हो या कुछ और विकल्प ढूंढ रहे हों, और इतने भोले हों कि उनको ये बात भा जाए और इसके लिए वो उनको वोट दे दें। इससे अधिक तो मुझे इसकी कोई राजनीतिक उपयोगिता दिखती नहीं, ना गुजरात में ना कहीं और। लेकिन मोटी बात यह है, एक बड़ा जो गंभीर बात यह है कि अभी दुनिया, भारत की हर पार्टी को ये समझ में आ गया है कि इस समय हिंदुत्व और हिंदू धर्म का और तथा कथित हिंदू धर्म का एक आख्यान पूरे भारत में वही सबसे उफान पर है, वो सबसे प्रबल धारा बन गई है लोगों की। और 85% हिंदू हैं तो, और उनके उनको आप नाराज करके अब राजनीति नहीं कर सकते देश में, ये स्थिति तो आ गई है। तो वो वोट जो है वो हम इनसे नाराज न हो, वो इनके साथ न दे भले ही, लेकिन नाराज ना हो, वो हिंदू कोई हिंदू विरोधी इनको ना कह दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं। इनके गुजरात के अध्यक्ष ने देवी देवताओं के बारे में जो कहा है वो सबको मालूम है, भी आजकल वहां चल रहा है। उसके पहले और बहुत सारे लोग इनके बयान दे चुके हैं, ये खुद इस तरह के कई बयान दे चुके हैं। अब वो इसको धोने की और एक नया आख्यान, नया अपना रूप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए वो 2021 में कई अपने लोगों के साथ राम मंदिर के अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन कराते हैं, वहां पर प्रणाम कराते हैं। फिर वो यहाँ दिल्ली में एक रामलीला का पूरा राम दरबार, अयोध्या वाला राम मंदिर का मंच बनाकर उस पर आप वो लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, और इस पे हम जानते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो ममता बनर्जी भी हमारी वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हैं, और बाकी सब लोगों को भी अचानक देवी देवता और हिंदू धर्म याद आने लगता है। राहुल जी एक सवाल मेरे मन में ये है कि क्या जो हमारी संविधान की अवधारणा है, जो हमारे लोकतंत्र की अवधारणा है, क्या उसमें इस तरीके से ब्लेटेंटली धर्म के इस्तेमाल की इजाजत है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि जितना मैंने संविधान देखा है और समझने की कोशिश की है, मुझे तो उसमें ये गुंजाइश बिल्कुल दिखती नहीं। और उसमें आपने ठीक उल्लेख किया कि उसमें तो साफ साफ कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों में कि साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक रवैया, वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करना भी राज्य का कर्तव्य है और समाज का भी कर्तव्य है। तो उसमें देवी 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 देवताओं को खुश करना, उससे लक्ष्मी आएगी, उससे पैसा आएगा, ये तो ऐसी अजीब बात है कि ये तो मोदी जी को भी नहीं सूझी, ये तो शायद वही कर देते हैं उसको। तो अब देखिए कल के अवतारों के तीन विकल्प अब देश के सामने आ गए हैं। एक तो मोदी जी, योगी जी तो थे ही, मतलब अब अगले अवतार, अब लग रहा है कि ये भी उसी होड़ में आने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्म रक्षक अब नए जो आ रहे हैं उनमें एक देखिए ये भी कोशिश मुझे लगता है प्रवेश पाना चाहते हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि ये संविधान की भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। ये आज संसार में जिस तरह की लोगों को, देशों को, समाजों को जैसी दृष्टि की, जैसी वैज्ञानिक
यथार्थ परक दृष्टि की जरूरत है, ये उसके विरुद्ध है और अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते। राहुल जी एक सवाल और है, उसके बाद मैं रतीन जी और पीयूष के पास जाऊंगा कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि इस तरीके की हरकत करने से मुस्लिम समाज जो है वो वोट दे देता है, जो उनके उनके तमाम जो धर्मगुरु होते हैं टोपी लगा लेने से या उनकी उसमें उनके साथ शामिल होने में तो दे देता है। क्या हिंदू समाज भी अब वैसा ही है कि आप इस तरीके की बातें करेंगे, नेता ये समझते हैं कि ऐसा करने से उनको वोट मिल जाएगा, हिंदू वोट मिल जाएगा सारा का सारा, वो बिना सोचे समझे इनको वोट दे देगा? नहीं, मैंने पहले कहा, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि इनको ये गलतफहमी या खुशफहमी नहीं होगी कि इनको सारा हिंदू वोट इतने से और ऐसी हरकतें और करने से मिल जाएगा, चाहे वो गुजरात हो या दिल्ली। लेकिन वो अपने उन पर ये आरोप न लग सके कि वो हिंदू विरोधी हैं, या वो हिंदू भावनाओं की और हितों की चिंता नहीं करते, या उनका हिंदुत्व किसी से भी कम है, ये दिखाने के लिए और अपने को अपनी स्वीकार्यता गुजरात में ज्यादा बढ़ाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि सारे वोट उनको मिलेंगे और जो असली प्रोडक्ट है वो तो बीजेपी है, और गुजरात में बीजेपी को इतना करके या इससे भी बड़ी कोई नाटक नौटंकी करके वो सारे वोट पा जाएंगे, ये उनको भी पता है कि नहीं होने वाला है। लेकिन सिर्फ अपने संभावित विरोध को कम करके अपने प्रवेश को थोड़ा और आसान करने के लिए उनको ये रास्ता सूझा है। लोग कितना इसको अपनाएंगे, लोग कितना विश्वास करेंगे, वो एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि एक बहुत छोटी सी संख्या को छोड़कर गुजरात के लोग या कहीं के भी लोग इतने मात्र से खुश हो जाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।